It's late in the night. I'm standing right outside the Roshan Ara Club, the iconic venue. Why is it iconic? It was formed nearly 100 years ago. The very BCCI, the Board of Control for Cricket in India, was formed here in 1928. The venue has hosted numerous games involving international cricketers like Gautam Gambhir, Shikhar Dhawan, and even this season, because the Arun Jaitley Stadium will be busy for the World Cup, this venue has been shortlisted for various Ranji Trophy games and BCCI-affiliated age group tournaments. But it's a dark night and a dark day awaits all these staff members who are standing behind me. There's a possibility, and the rumor is very strong, that the DDA could well come and seal the premises early in the morning. I have with me a lot of staff members who are worried, who are anxious. Unko nahi pata kal unke saath kya hone wala hai. Wo yahi staff quarters mein rehte hain. Kal unke paas ghar hoga ki nahi hoga. Yahan pe guards jo roz gate kholte hain, wo gate khol payenge ki nahi khol payenge, kyunki shayad is club par kal taala lag sakta hai. To aiye jante hain staff members se kaisa mahol hai yahan par, kyunki main jab se aaya hu bahut tense hai mahol yahan par. तो सर आप अपना नाम बताइए पहले. मेरा सर नाम तिलको है. तो आप कब से हैं क्लब के साथ? मैं 1/11/1985 जॉब कर रहा हूँ सर यहाँ पे. 1985 से आप क्लब में? यस सर. तो अब सर जब आप ये खबर सुनते हैं कि शायद क्लब बंद हो जाएगा, आप रहते कहाँ पर हैं? सर कॉलोनी में रहते हैं अंदर ही. तो अगर क्लब बंद हो गया, कॉलोनी चली गई, तो आप कहाँ जाने वाले हैं? तो सर सभी का नुकसान है, हमारा भी है, कॉलोनी का भी है, क्लब के मेम्बरों का भी होगा, क्योंकि मेम्बर हैं तो हम हैं, क्लब है तो हम हैं. तो अभी जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, जब से न्यूज़ आई है कि सीलिंग हो सकती है, तब से आप लोगों ने कहीं बात करी, कुछ करा, किसी के आगे बोला, एसोसिएशन में अपनी बोला रोशन आरा क्लब की, तो हाँ, कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है? सर मैनेजमेंट को बोला गया, मैनेजमेंट हमारे साथ है पूरी, अब मेंबर हमारे साथ हैं, पूरी कॉलोनी हमारे साथ है, और जितना हमसे प्रयास होगा, जहाँ तक हमें जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे, क्लब को बचाने के लिए भी, अपनी जो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ को बचाने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए भी सर. तो लगभग कितने परिवार यहाँ रह रहे होंगे? सर कम से कम 500 चौकटे हैं हमारे पास. अच्छा, 500 चौकट मतलब पर चौकट के अगर 5 मेंबर भी रह रहा है, या 10 मेंबर भी है, किसी 7 भी है, किसी 8 भी, किसी 10 भी है, तो कम से कम मान लो 2,500 आदमी करीब यहाँ पे रहता है. तो सबका रोजगार भी क्लब से चल रहा है? सबका रोजगार है, लेकिन कम से कम यहाँ पे रोजगार जो है 1,000 आदमी का होगा, तो मतलब 400 आदमी यहाँ पे रोजगार है, तो बाकी नहीं है. तो बच्चे, ऐसे रह रहे, बच्चे भी बहुत होंगे, लेडीज भी बहुत होंगी. हाँ जी, कम से कम 2,500-3,000 आदमी करीब है सर. तो खुदा ना खास्ता अगर क्लब सुबह सील हो जाता है, तो आपके पास तो रहने का ठिकाना ही नहीं रहेगा. तो सर हम सरकार से लड़ेंगे. कब तक लड़ेंगे, कैसे? जब तक हमारी जान में जान रहेगी, जब तक लड़ेंगे, क्लब को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने आशियानों को बचाने के लिए लड़ेंगे हम सर. तो अभी मतलब आप घर पे क्या बात कर रहे हैं, घर पे तैयारी है कैसे, मतलब ये रात कैसे निकलनी है? सर फुल तैयारी है, जैसे भी होगा हम अपने लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, जहाँ तक हमसे लड़ा जाएगा, बाकी बोले हुआ मालिक है, जो वो चाहेंगे वैसे ही होगा. तो अभी तक आप 1985 से इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत चीजें देखी होंगी इस क्लब में होते हुए, क्रिकेट के इतने मैच हुए हैं, तो कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ, कि इस क्लब की कितनी अहमियत है दिल्ली के अंदर? बहुत बड़ी अहमियत है रोशन आरा क्लब की, और जाना माना क्लब है ये. 1922 का क्लब है, जो कि पहला, इससे पहले हमारा जिम खाना क्लब है, उसके बाद में ये रोशन आरा क्लब है 1922 का सर. सुनो, एज यू कैन सी द मूड हेयर इज वेरी डार्क, एवरी वन इज वरिड वॉट विल हैपन टुमारो, एंड यू नो जस्ट लेट मी रिमाइंड यू, इवन ड्यूरिंग द IPL, वेन द IPL वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द कोविड टाइम, वेन देर वॉज अ बायो बबल इन प्लेस, दिस वेरी फैसिलिटी वॉज यूज एज अ ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर IPL टीम्स. सो इवन IPL टीम्स हैव कम टू ट्रेन हेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स एज आई सेड अर्लियर हैड कम एंड प्लेड हेयर, गंभीर, शिखर धवन, एवरी वन, इवन विराट कोहली वुड हैव यू नो सम टाइम ड्यूरिंग हिज एज ग्रुप डेज. तो विराट वगैरह भी आप सारे प्लेयर आ चुके हैं, कपिल देव जी भी यहाँ मैच खेल चुके हैं, और एक रमन लावा जी थे वो भी यहाँ मैच खेल चुके हैं, मतलब क्रिकेट के जितने भी प्लेयर है, पुराने मेंबर क्रिकेटर हैं, सारे यहाँ पे खेल खेल चुके सर. एंड जस्ट रिमाइंडिंग माय व्यूअर्स, आई जस्ट डिड अ स्टोरी फॉर क्रिकेट नेक्स्ट, वेयर आई डिड मेंशन दैट दिस फैसिलिटी इज यूज्ड एग्रेसिवली बाय द DDCA, द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन. यहाँ पर बहुत एज ग्रुप कैंप्स होते हैं, ट्रायल मैचेस होते हैं, सीजन आफ्टर सीजन यहाँ पर ट्रायल मैचेस होते हैं. जितने लड़के आज आप दिल्ली की टीम में देख रहे हो, कोई ना कोई यहीं से निकल कर आया है. तो अगर कल इस क्लब को ताला लग जाएगा, तो इस क्लब के साथ जो वो यादें थी, वो ऐसी जगह दफन हो जाएंगी जहाँ से वो फिर कभी निकलेंगी. तो आइए एक और स्टाफ मेंबर से पूछते हैं कि सर आप बताइए आपका नाम. मेरा नाम राकेश मौर्य है सर. आप कब से हैं क्लब के साथ? कम से कम 25 साल. 25 साल से आप क्लब के साथ हैं, आपने क्लब को हाईज एंड लोज सब देखा है जी. तो जब आप ये सुनते हैं, आप ये सुनते हैं कि यार कोई ताला लगाने वाला है, तो कितना दुख होता है? सर बहुत ज्यादा होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये सर, हम कहाँ जाएंगे यार, रोशना क्लब में ताला लग जाता है, हमारा फैमिली, हमारे स्टाफ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें सरकार से सिर्फ इतना पूछना है, हमें बताएं हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे हम. तो आपका या हम सुसाइड कर लें, या मर जाएं अपने आप को, या सबको मार दें, हमें सरकार ये बता दे, बात खत्म हो जाए इसकी बात. हम मरना, अगर हमें मारना चाहते हैं तो वैसे ही मार दें, या हमारा रोजगार, हमारी पूरी फैमिली को, सबको उजाड़ के उन्होंने दम लेना है, तो जो जो करना हो कर सकते हैं वो.
ऐसा थोड़ी ना सर कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा रहते थे यहाँ पे 60 साल 70 साल से यहाँ रह रहे हैं सारे के सारे, कहाँ जाएं हम, मर जाएं हम, हमें सरकार से इतना ही पूछना है, हमें बताइए हम कहाँ जाएं, नौकरी हमारे पास रहेगी नहीं कल से, घर हमारे पास रहेगा नहीं, हम कहाँ जाएं और क्या करें कैसे करें ये बताइए हमें सर, बस हमें इतने पूछना सरकार से, हमें सरकार जवाब दे सर इस चीज का। कितने लोग हैं आपके परिवार? सर मेरे परिवार में सर कम से कम 10 लोग हैं। और आप ही का रोजगार यहाँ? जी सर यहीं से, यहीं चल रहा है सारा कुछ। तो इससे पहले आपने कहा आपके पिताजी भी थे तो वो भी रोशन? हाँ सर, वो 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होकर चले गए थे सर वो। तो द मूड एज आई सेड इज गेटिंग डार्कर एज द नाइट डाइव्स डीप, सो यू नो यू स्टे ट्यून्ड टू नेटवर्क 18 एंड you know let's see what happens tomorrow because the rumor right now is very strong and there are so many families, so many kids, so many kids there. सारी family हम सारे यही रहते सब। ये इतना परिवार इन लोगों का इकट्ठा है यहाँ पर, लेडीज हैं यहाँ पर, बच्चे हैं, सब वरिड हैं, कोई सोया नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबकी आंखों में नींद नहीं है क्योंकि किसी को नहीं पता यहाँ कल क्या होने वाला है, हमें भी नहीं पता। हम एसोसिएशन जो रोशन आरा क्लब की एसोसिएशन है, सारे मेंबर से बात हुई, एवरीवन इज होपफुल, एवरीवन इज ऑप्टिमिस्टिक कि शायद वो ड्रास्टिक स्टेप कल सुबह ना लिया जाए, बट अगर वो लिया गया तो ये परिवार सारे। हाँ जी, अगर सरकार ने हमारे साथ जास्ती की नहीं माने तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, हम अपने आप को मारने के लिए तैयार हैं सर। क्या बोल रहे हो? तो अगेन यू नो, अगर सरकार ने हमारे घर जोड़ा, हमारी नौकरी जोड़ी, हम सब अपने आप को मारने के लिए तैयार है, ठीक है? सो अगेन यू, दे आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड, देयर लाइफ इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, देयर शेल्टर इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। So let's see what happens tomorrow, and everyone out here is hoping that the seal wouldn't be applied, because if it does, thousands would be without roof, thousands would be without work. So you keep watching Network 18, we'll bring more updates from Roshan Aara Club for you. Thank you.